गाइस फाइनली हमारे गेम के अंदर सो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, विलेज ऑफ गोलरी इवेंट्स। और जहाँ पे गाइस आपको मिल रही है तीन ऐसे इमोट बिल्कुल ही फ्री में, और इन तीनों इमोट में से गाइस आप लोग एक इमोट को ले पाओगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो टोकन है ये लिमिट मिलने वाली है, 4 टोकन एक दिन में मिलेगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग पूरे दिन में यानी कि जितने तक इवेंट चलने वाली है उस दिन तक कितने टोकन को कलेक्ट कर पाएंगे, क्या हम लोग 2 इमोट को एक्सचेंज कर पाएंगे या फिर नहीं, गाइस मैं आपको बताऊँगा। साथ में गाइस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये 3 इमोट से गैस आपको कौन सा इमोट को एक्सचेंज करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए जो ज्यादा रेयर है, ठीक है? तो क्या नाचोगे? जो यहाँ पे गाइस ज़्यादा रह रहे मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि कौन सा इमोट को लेना चाहिए, आप लोगों के लिए बेस्ट इमोट कौन सा होने वाली, ज़्यादा रेयर कौन सा इमोट होने वाली, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लेना, उससे पहले कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल नोटिफिकेशन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके गाइस सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों को जो टोकन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टोकन आप लोग कैसे कलेक्ट कर पाओगे, और पूरे दिन में यानी कि जितना तक हमारे इवेंट चलने वाली है वो उस दिन तक गाइस आप लोगों को जो टोकन होगा वो कितना कलेक्ट होगा, ठीक है? तो देखो गाइस यहाँ पे गाइस आप सभी को एक दिन के अंदर गाइस आपको 4 टोकन मिलेगा, जहाँ पर आपको करना क्या है, 6 बार आपको रैंकेड मोड है वो आपको खेलना है, ठीक है? तो 6 मैच आप लोग खेलोगे तो उसके बाद जो आपका मिशन है ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से गैस आपको टोटल मिलेगा एक दिन में 4 टोकन। तो इवेंट गैस आप लोग देख सकते हो नीचे में 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 22 तारीख तक ये चलने वाली है, ठीक है? तो 12 दिन तक चलने वाली है, तो 12 चक 48 टोकन होता है। अगर आप लोग पूरे मिशन को कंप्लीट करोगे, पर डे मिशन कंप्लीट करोगे, तो इवेंट एंड होने तक गैस आप सभी को मिल जाएगा 50 टोकन, ठीक है? लगभग 48 टोकन है तो 50 टोकन आपको मिल जाएगा, समझ लो। तो यहाँ पे गैस आप लोग देखोगे तो 30 टोकन में 1 टोकन को ले पाओगे, तो वैसे अगर आप लोग देखोगे तो 2 टोकन के लिए आपको 60 टोकन होना ज़रूरी है। अब देखो बीच में अगर आपका गिरना मेहरबान है तो कोई अदर मिशन से आप लोगों को टोकन दे सकता है, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अदर मिशन दे करके सबको टोकन दिया जाएगा, क्योंकि गिरना का यही मकसद था कि 3 इमोट तो आपको दे रहा लेकिन इसमें आपको एक ही को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो ये टॉपिक हो चुका है, ठीक है? अब चलिए मैं आपको मेन टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कि सबको 3 इमोट में से, ये तीनों इमोट में से आपको कौन सा इमोट है वो आपको लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा रेयर इमोट है वो मैं आपको बताऊँगा, और एक मैं गैस आपको एक हिंट बताऊँगा या फिर एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोग मतलब इन फ्यूचर कभी भी पहचान सकते हो इमोट ज़्यादा रेयर है या फिर नहीं रेयर है, ठीक है? बाकी सबसे पहले आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन सा इमोट लेने वाले हो इन तीनों में से, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा इन तीनों में से आपको कौन सा इमोट को लेना चाहिए, ठीक है? अब चलो देखो पहला से बात करते हैं, तो ये इमोट है, सबसे पहले अच्छे से देखो उसके बाद में आपको बताऊँगा कौन सा इमोट अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा मतलब सही है, नॉर्मल है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे इमोट की, तो दूसरा इमोट आता है हमारा कुंफू वाला इमोट, तो कुंफू वाला इमोट मेरे को काफ़ी सही लगा। अब चलिए तीसरा इमोट देखते हैं, तो तीसरा इमोट के अंदर गैस आप लोग एक चीज़ को नोटिस करोगे तो यहाँ पे गैस ना ही इफेक्ट है ना ही एनिमेशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसकी तो बात ही मत करो। अब आता है दूसरा इमोट, ठीक है? ये इमोट रिजेक्ट कर दो आप लोग, इसे हटा दो। अब बाकी बचा 2 इमोट, तो देखो गाइस अगर आप लोगों को इमोट को ये जानना है कि कौन सा ज़्यादा रेयर इमोट है, तो आपको देखो मैं आपको अच्छा सा मतलब समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। तो अभी मैं इमोट वाले सेशन पर आ चुका हूँ, और गाइस मैं आपको बता दूँ जो इमोट को यहाँ पर बैकग्राउंड में येल्लो हो या फिर रेड हो, तो रेड ज़्यादा रेयर है, उसके नीचे आता है येल्लो वाला, ठीक है? तो अगर आप लोग देखोगे बैकग्राउंड पीछे में येल्लो है, तो आप लोग ये समझ लेना कि जो ये इमोट है वो ज़्यादा रेयर है। इससे ज़्यादा रेयर इमोट कौन सा होता है, वो होता है रेड कलर का बैकग्राउंड वाला, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो रेड कलर का बैकग्राउंड वाला इमोट आप लोग देख सकते हो, बोया पास मैंने लिया था वो उसके अंदर मिला था, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर ये इमोट है, फिर ये इमोट है,
तो ये तो था, तो गैस ज़्यादा रेयर है। अब येलो वाला जो है यहाँ पे आता है, उसके अंदर गैस ये सारे इमोट है, ठीक है। इसके नीचे गैस आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आता है उसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे आता है ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है ये आता है, ठीक है। लेकिन गैस देखो कुनफू वाला जो इमोट है उसके अंदर के हिसाब से भी को मिल जाता है येलो कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है। देखो आप लोग देख सकते हो येलो कलर का है, ठीक है। और उसके मतलब के आपको ये समझ लेना है कि आपको कौन सा लेना है, येलो वाला कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड वाला इमोट, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना, यानी सीधा सीधे भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो आपको लेना है कुंफू वाला इमोट। और इसके अलावा यहाँ पर ये इमोट मेरे को उतना खास नहीं लगा, लेकिन गैस ये है वो काफ़ी सही है और ये बहुत ही पुराना इमोट है, ठीक है। पुराने मतलब बंदे पे लेते पहले यूज करते थे, तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग ये ले सकते हो, मैं आपको यही बोलूंगा लेने के लिए। एंड अगर आपको नहीं पसंद है तो आप लोग कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि ज़्यादा रेयर जो इमोट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिलहाल ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, ठीक है। तो मैंने एक नंबर पर कुंगफू वाला इमोट रखा है, दो नंबर पर ये वाला इमोट रखा है और तीसरा वाला पे ये रखा है, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है ज़्यादा रेयर यहाँ पे कुंफू वाला इमोट। तो अगर आपको ये पसंद है तो गैस आप लोग ले लेना। तो गैस मैंने आपको फुल डिटेल के साथ में सब कुछ बता दिया, टोकन है वो आपको कितने मिलेंगे। तो गैस आज के वीडियो बस नहीं, फिर गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।